नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीराज और आप देख रहे हैं टेकी बैंकर मनीराज चैनल को। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जो कि मिलती है एजुकेशन लोन में। जब भी आप किसी बैंक से एजुकेशन लोन लेने जाते हैं तो आप वहां पर ये स्कीम बोल सकते हैं और आपको इंटरेस्ट सब्सिडी, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, मतलब जो भी ब्याज बैंक लेती है उसमें सब्सिडी मिल सकती है आपको, अगर आप बैंक को ये इन्फॉर्मेशन या फिर मैनेजर को ये इन्फॉर्मेशन बताए कि आपको पता है। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर एजुकेशन लोन। अब मैं बात करूँ कि ये जो स्कीम है, जो कि इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है, किसको मिलती है। तो जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग होते हैं, मतलब EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग होते हैं और उनके बच्चे जो है अगर एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो ये स्कीम उनके लिए है। ये स्कीम हर बैंक में अवेलेबल है, जो भी आपके सरकारी बैंक हैं हर बैंक में ये स्कीम अवेलेबल है, क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब बात करते हैं कि ये एलिजिबिलिटी किसके किसके लिए है, मतलब ये किसको किसको ये स्कीम में फ़ायदा मिल सकता है। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का बंदा होना चाहिए, उसकी फैमिली होने चाहिए और उसके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपकी इनकम जो है 4.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी फैमिली इनकम जो है 4.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और ये इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम उन्हीं को मिल सकती है जो लोन लेना चाहते हैं बैंक से, एजुकेशन लोन जिसका अमाउंट होगा 10 लाख से कम। 10 लाख से कम अगर आपका अमाउंट है तो ही आपको ये इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि किन कोर्सेज के लिए ये इंटरेस्ट सब्सिडी जो स्कीम है वो है। तो वो केवल जो टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स होते हैं इंडिया में, ठीक है, उनके लिए ही अवेलेबल है। मतलब अगर आप मैनेजमेंट कोटा से जा रहे हैं, भले आप EWS कैटेगरी में आते हैं, तो आपको ये स्कीम में फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, हर बैंक के पास एक पूरी बुकलेट होती है जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड जो कोर्सेज होते हैं वो सारे सबके नाम उसमें लिखे होते हैं, जैसे IIT, IIM, बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज होते हैं। तो अगर आपको ये मतलब कोई लोन लेना है तो आपको ब्रांच में जाके अपना बताना पड़ेगा कि सर मेरा ये कोर्स है, मेरा ये कॉलेज है और मुझे मेरिट के बेस पर यहाँ पर एडमिशन मिल रहा है 12th के बाद, तो क्या मुझे इसके में फ़ायदा मिल सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये इंटरेस्ट सब्सिडी, मतलब इंटरेस्ट जो लगता है आपके लोन में वो कितना मिलेगा। तो देखिए, सबसे उसके पहले आपको पता होना चाहिए मोराटोरियम पीरियड या फिर हॉलीडे पीरियड। देखिए क्या होता है कि जब आप एजुकेशन लोन लेते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए 3 साल का एजुकेशन लोन है, तो जो आपने आज लोन लिया तो बैंक जो है आपसे जो इंस्टॉलमेंट है वो आज नहीं मांगेगा। वो 3 साल जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब तक भी नहीं मांगेगा, उसके बाद 6 महीना या 1 साल आपको और मौका देगा, तब तक भी इंटरेस्ट आपसे इंस्टॉलमेंट नहीं मांगेगा। हाँ, उसके बाद जो है बैंक को ऐसा लगता है कि इसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, 6 महीने या 1 साल हो चुके हैं, अब इसको नौकरी मिल गई होगी, तो फिर आपका इंस्टॉलमेंट जो है चालू होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि ठीक है, बैंक हमसे इंस्टॉलमेंट पहले दिन से नहीं मांग रहा है तो क्या वो ब्याज भी नहीं लगा रहा होगा। नहीं दोस्तों, बैंक फर्स्ट डे से ही ब्याज लगाना चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि भैया बैंक ने आपको आज ही पैसा दिया है ना, तो आज से ही ब्याज लगाना चालू कर देगा। लेकिन पैसा आपसे आज नहीं मांगेगा, वो ब्याज जुड़ जुड़ के इकट्ठा होता है और उसका पूरा इंस्टॉलमेंट बनता है 3 साल या 4 साल जो भी आपका कोर्स का पीरियड है वो, प्लस 1 साल जो आपको मौका मिला है वो, उसके बाद वो जो है आपसे लेना चालू करते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी क्या और कितनी मिलेगी। देखिए दोस्तों, इसमें ऐसा बोला गया है कि सरकार आपको इंटरेस्ट में पूरा सरकार भरेगी आपका इंटरेस्ट, लेकिन कितना भरेगी? 3 साल या 4 साल जितने साल का आपका कोर्स है उसके बीच में जो ब्याज लग रहा है वो पूरा भरेगी, साथ में ही कोर्स कंप्लीट होने के बाद 6 महीना या 1 साल जब भी आपको नौकरी, जितना भी समय मिल रहा है नौकरी ढूंढने के लिए, 6 महीना या 1 साल वो बैंक पे डिपेंड करता है, तो उस पे भी जो ब्याज लगेगा वो भी सरकार भरेगी। मतलब आपको इतना पूरा अमाउंट, पूरा छूट मिल जाएगा, ये पूरा ब्याज आपको देना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर 6 महीना 1 साल और हो गया, होने के बाद भी आपके पास नौकरी नहीं है, तो फिर आप सरकार आपको पैसा नहीं भरेगी, फिर जो है ब्याज और मूलधन मिला के जो इंस्टॉलमेंट बनेगा वो आपको ही भरना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपने जो है लोन ले लिया, इंटरेस्ट सब्सिडी आपका जो है, आप एलिजिबल है और आप चालू हो गया, लेकिन आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी किसी भी कारण से, हाँ मेडिकल कारण है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपने बीच पढ़ाई छोड़ दी, आपको कॉलेज से निकाल दिया गया किसी भी कारण से, ठीक है, तो फिर ये इंटरेस्ट सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी और बैंक भी जो है
आने वाले जो आपके इंस्टॉलमेंट्स हैं, जैसे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की जो फीस है, वो भी आपको बैंक नहीं देगा। और दोस्तों बता दूं मैं आपको, जो आप ये EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो इनकम सर्टिफिकेट देंगे, वो स्टार्टिंग में केवल एक बार देना है, हर साल आपको नहीं देना है, ठीक है। तो आप इसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मतलब 4.5 लाख से नीचे आपका जो है पूरा इनकम होना चाहिए, फैमिली इनकम, तो ही आप EWS कैटेगरी में आएंगे। तो दोस्तों ये थी एजुकेशन लोन के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है समझने में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपका जो है जो भी आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। और हाँ, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको अगर लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन कहीं और भी पहुँचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, और जाते जाते एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए, मैं आपसे फिर से ऐसी ही किसी वीडियो के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।